अरे गाइस क्या, चलो रोलिंग रोलिंग रोल लेना। ओके सो नेक्स्ट बजे सीजन 9 एक्स वर्सेस यू नो पार्टनर्स के बीच में है, क्या लगता है किसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, इज इट एक्स और इज इट पार्टनर? I think dance itself is very difficult when it's a competition. तो tough तो सभी के लिए होने वाला है and 100% तो सभी डालने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है that exes के लिए ज़्यादा tough या you know present real couples के लिए tough. I think it's totally the pressure is on everybody and everybody is wanting to give their 100%. Just like I am, I'm sure सब nervous and excited होंगे and I just hope के लोगों को हमारा डांस पसंद है। ओके, आप कितनी तैयारियां कर रही हैं लोगों को टक्कर देने के लिए? वेल जैसा कि मैंने कहा कि वी आर आउट देयर गिविंग 100%, क्योंकि जब आप एक कंपटीशन में आते हैं आपको रियलाइज नहीं होता है कि यू नो देयर सो मच, यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, तो वी आर जस्ट एट इट, हम लोग बस जितना हमसे हो सके उतना रिहर्स कर रहे हैं, वी आर गोना जस्ट put our best foot forward. It's season 9, kabhi you know kabhi 9 season se pehle laga tha ki mujhe part lena hai. Well kai baar nach ki baat chali thi lekin workout nahi hua tha. This I thought was the perfect time because Nagin had just ended and agar aisa koi show करना हो तो यू हैव टू गिव योर 100%. इसके साथ साथ में शो करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी, मैंने सोचा इट्स द परफेक्ट टाइम एंड आई डोंट नो व्हेन इट्स मेंट टू बी एंड इट हैड टू वर्क आउट एंड आई एम रियली ग्लैड कि नजब अली सीजन 9 हैज वर्कड आउट फॉर मी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. ओके, वहाँ पे आपने कहा कि मैं रात में भी उठ के डांस कर रही हूँ, कितनी सच्चाई है इस बात में? लाइक लिटरली लाइक जब आप एक कॉम्पिटिशन में आते हो आप नींद में भी वो स्टेप्स के बारे में सोच रहे हो, तो बिकॉज यू आर सो स्कैर्ड कि कहीं स्टेज पे भूल ना जाए, 24/7 यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट डांस, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. इस बार की खास बात ये भी है कि सलमान खान प्रोडक्शन है तो और आप लोगों का फर्स्ट एपिसोड और शायद से अनविल भी वही करने वाले हैं, यू नो, तो उसके लिए कितनी एक्साइटेड? वेल वेरी एक्साइटेड, एवरीबॉडी नोज दैट आई लव सलमान एंड one of the main reasons I'm doing it is also because it's produced by SK and I'm really excited kyunki wo unka ekdam hi dhamakedar entry hone wala and I'm really glad ke first episode mein wo hone wale and unveiling everybody, it's really exciting and just a very happy frame of mind from the start. Lastly kuch kehna chahenge? Main bas yahi kehna chahungi ki thank you all of you for giving me your love and support. नजब अली में भी प्लीज़ अपना प्यार देते रहिएगा, इन्जॉय नजब अली एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर बीइंग देयर. थैंक यू पार्टनर्स के लिए. क्यों? अरे उनका प्यार तो चल ही रहा है, जिनका नहीं चल रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो इनसिक्योर हो जाएंगे ना. लेकिन एक्स के लिए भी तो डिफिकल्ट हो सकता है ना? नहीं, ऑब्वियसली एक्स के लिए तो है ही डिफिकल्ट. जो है डिफिकल्ट उसको डिफिकल्ट मानने से क्या फायदा? जो डिफिकल्ट नहीं है उसको डिफिकल्ट बनाने और मानने से ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा टफ होगा. आपके लिए कितना डिफिकल्ट? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक्स है. और डांस आता था पहले से? नहीं, डांस नहीं आता था, डांस सीख रहा हूँ अभी इसी के साथ. तैयारी चालू है लोगों को टक्कर देने के? बहुत मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले ही एपिसोड में स्टैंडिंग ओवेशन मिले और ऊपर जाके बैठ जाए आराम से, कहीं होता है ना वो सेफ जोन टाइप का कुछ होता है ना, वैसे सही बैठ जाए. ओके, ऑल्दो आप लोगों ने अभी तक के पार्टनर्स तो रिवील किए नहीं है लेकिन फिर भी हमें तो पता ही है, आप बता दीजिए आपने क्यों सिलेक्ट किया? अरे आप तो गूगल के भी ऊपर, आपको सब कुछ पता है. मैंने कुछ नहीं सिलेक्ट किया किसी को, मैं कौन होता हूँ सिलेक्ट करने वाला, चैनल ने किया है, चैनल की तरफ से था. और उन्हीं को का मतलब क्या होता है? एक ही ब्रेकअप हुआ है तो उन्हीं के साथ होगा ना, या एक्स के साथ, मतलब चार पांच एक्स हैं ऐसे कुछ कहीं पता नहीं, अब बोल नहीं सकते मुझे. नहीं, बोलने के नहीं हो सकता है, हो नहीं, है, नहीं नहीं हमारे लिए कुछ स्टोरी निकल है. नहीं, बिल्कुल आपको भर भर के स्टोरी मिलेगी, देखो तो कुछ दिनों में. ओके, बहुत दिख नहीं रहा है स्माइल कितनी बड़ी सी है और कॉन्फिडेंट हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है ना हार्डवर्क से ना सब कुछ खत्म हो सकता है. I think I will give my sweat and blood. I will give my 200%. And बाकी rest of ऊपर. Okay, also you know खबरें ये भी आ रही थी कि लड़ाई हो गई आपकी एक्स के साथ में, सेट पर हुई थी? हाँ हुई थी, हाँ हुई थी.
एक्स है यार, किसी भी बात पे हो जाएगी। अभी तो हम एक दूसरे के साथ राजी नहीं हो सकते ना, कहीं कोई भी बात होगी, वो मैं पूरी बात तो बता नहीं सकता आपको क्योंकि थोड़ा पर्सनल रहने दो ना यार। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए जब आपको यू नो नजबली की तरफ से कॉल आया और ये कहा गया कि नजबली करना है लेकिन एक्स के साथ करना है? हाँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं बलिए के साथ नहीं रेडी था करने के लिए। मुझे मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि नजबली करूंगा बलिए के साथ। एक्स के साथ करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और वो भी उसमें जहाँ पे ब्रेकअप हुआ हो और नॉट ऑन गुड टर्म्स लाइक सो। और मुझे अगर जिस इंसान के साथ आपको कंफर्ट नहीं हो, आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो, या फिर आप हम दोनों काम कर चुके हैं एक साथ एक दूसरे के साथ, तो मुझे उसी बात का डर था कि यार वो उसमें ना कुछ मज़ा नहीं है, मज़ा ना अगर ख़राब होगा ना, तो मैं नहीं चाहता था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उस जगह पे जाके कुछ ऐसा हो कि जिसमें कि मज़ा ख़राब हो जाए, या फिर जो मैंने किया है अपने 7-8 साल में वो हो। एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं और ऑडियंस एक साथ होंगे इस बार आमने सामने। अब तक मेरे चेहरे के ऊपर एक तेवर, कभी लाखन, कभी वीर, कभी वीरू, ससुराल सिमर, कभी कुछ तुका मास्क रहता था, अभी वो मास्क नहीं है। सो लोगों के पास मैं पहली बार, मुझे ऐसा मौका मिला रियलिटी शो के दौरान, रियलिटी शो के थ्रू, कि मैं लोगों से जुड़ूंगा, लोग मुझे जानेंगे कि हु आई एम, रियल हु आई एम, और फिर मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। डांस डांस करूंगा। कुछ अच्छा स्टेप सीख लिए आप? बहुत बहुत अच्छा। ओके, इस बार का स्पेशल थिंग ये भी है कि सलमान खान प्रोडक्शन है और फर्स्ट एपिसोड जहाँ पे आपके पार्टनर्स को वही रिवील करेंगे जी, तो बताइए एक्साइटमेंट लेवल कितना? बहुत कमाल का, अभी सलमान खान एक्स को रिवील करेंगे, सोचो ना। वो तो एक्स के गीता गीता पुराण है। सॉरी, रणवीर सिंह और दीपिका भी डांस होने वाला है। कहाँ पे? नहीं ऐसा, तुम्हारे सवाल ही अजब होते हैं यार। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपको, पूछना था हमारा। तुम्हारा सवाल ही अजब है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही खबरें आ रही थी कि सलमान खान इस शो को जज भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो वैसा भी नहीं है। ओके सर, लास्टली जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, कमाल का किया काम आप लोगों ने। और मैं ये सिर्फ कहूँगा कि आप सभी लोगों को प्लीज़ 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 पहले आप देखें, आराम से शो देखें, खुद जज करें लायक हो कि नहीं हूँ, हूँ तो आगे बढ़ाएं, नहीं हूँ तो घर भेजें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। व्हाट इज दिस? सॉरी गाइस, सबका माइक एक साथ आ रहा है बिकॉज मुझे जाना पड़ रहा है अभी कुछ ही देर में। आई विल हैव टू लीव फॉर माय रिहर्सल्स, इन्हीं के लिए। कहाँ देखूं? ओके, एक्सपीरियंस रहा एक्स के साथ किस मामले में? अरे अभी तो एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। ऑफ कोर्स रिहर्सल्स हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं इनफैक्ट, एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं हम दोनों अच्छा डांस करने के लिए। बट हाँ, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इज लाइक राइट, एवरी डे एक्सपीरियंस इज गोइंग गुड। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब कहा गया कि एक्स के साथ यू नो पार्टिसिपेट करना है, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो मेरे एक्स हैं जिनके बारे में मैंने कभी आज तक बात नहीं की है, और आप लोग बहुत काइंड अनफ रहे हैं कि मुझे ज़्यादा प्रूव ना करें मेरी पर्सनल लाइफ में, सो थैंक यू पहली बात तो उसके लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने में, इनफैक्ट ये मेरा पहली बार होगा उनके साथ काम करना, तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, सो डांसिंग के वक्त कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े क्या? बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब तक मुझे लग रहा था कि मुझे डांस आता है, क्लियरली नहीं आता है, मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा है, तो अब फिर से कोशिश कर रही हूँ डांस सीखने की। ओके, रीज़न क्या था नच बलिए को हाँ कहने का? रीज़न यही था मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने कभी एक डांस रियलिटी शो किया नहीं है इससे पहले, और अलग कॉन्सेप्ट है इनका, इनका विजन अलग है, और मुझे अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने हाँ बोली। ओके, जब आपको कॉल आया था यू नो कि एक्स के साथ करना है, तो वाज देयर एनी सेकंड थॉट कि करना है कि नहीं करना है? कंफ्यूज थी कि फैसला ले लिया कि हाँ करना है चलो?
देखिए कंफ्यूज नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं हर जो भी प्रोजेक्ट का ऑफर मेरे पास आता है मैं पहले उसे अच्छी तरह सोचती हूँ, सुनती हूँ, सोचती हूँ उसके बारे में और फिर अपना डिसीजन लेती हूँ। और नच बलिए के साथ भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, मेरा प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। What was your son's reaction जब उनको पता चला कि आप जा रही हैं नच बलिए में? मेरी फैमिली का रिएक्शन हमेशा काफ़ी सपोर्टिव रहा है और वो जानते हैं कि मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ उसके पीछे ज़रूर कोई प्लस पॉइंट ही होगा और कुछ सोच विचार करके ही मैंने ये हाँ बोली। सो वेरी सपोर्टिव आई मस्ट से। ओके, यू नो आल्सो खबरें ये भी आ रही थी कि आप दोनों सिर्फ डांस के वक्त ही एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन बाद में आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, कितनी सच्चाई है इस बात में? कौन आप दोनों? जी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों अलग, मतलब डांस करते वक्त तो ऑब्वियसली बात करना ही पड़ता है, इनफैक्ट बात नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ डांस करना है। इन वो टाइम है जब हम बात नहीं करते एक दूसरे से, तो जो दूसरी खबर आपको मिली है वो गलत है। गलत है? ओके। इसके अलावा यू नो इस टाइम सेकंड टाइम आप सलमान खान के साथ में जुड़ने जा रही हैं, एक तो बिग बॉस था, इस बार फिर से सलमान खान प्रोडक्शन है, तो ये कितना एक्साइट कर रहा है आपको? मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है क्योंकि मैं उनके साथ अभी दोबारा 7 सालों के बाद आई थिंक काम कर रही हूँ और एक्साइटमेंट तो होती है, किसे नहीं होगी उनके साथ काम करने में, फिर चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या यू नो एज लाइक एज अ प्रोड्यूसर एक्टर या फिर होस्ट एक्टर, हाउ डज इट, सो एक्साइटमेंट तो है, पॉज है, बहुत है। और फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी शूट हो चुका है जी, तो क्या स्पेशल हुआ उस फर्स्ट एपिसोड में? स्पेशल तो ये हुआ कि खुलासा हो गया मेरी लाइफ का फर्स्ट एपिसोड में, जो आप लोग देखेंगे 19 तारीख को रात 8 बजे। ओके, क्या कहना चाहेंगे लास्टली अपने फैंस को, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए इस बात को प्लीज़ गलत मत समझिए कि ये सिर्फ शो के लिए ये कॉन्सेप्ट बना है। मेरे हिसाब से ये जो शो का जो कॉन्सेप्ट है गेटिंग एक्सेस टुगेदर, ये दिखाने के लिए है, ये दिखाने जा रहा है कि आप भले साथ में ना हों लेकिन आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, आप आपका कंफर्ट लेवल हो सकता है लेकिन अगर हम उसे अलाउ करें तो। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू थिंक विद एन ओपन माइंड कि इसके बारे में सोचें, कोई भी अगर आज की डेट में जिनका ब्रेकअप हुआ हो कोई बैर ना रखें, छोटी सी जिंदगी है, बैर रखने का कोई मतलब नहीं है, तो खुशी खुशी जियो, अच्छे से जियो और को एग्जिस्ट करो एंड मूव ऑन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।